इस्लामाबाद सखर जी हाँ कराची में भी वुमेन डे वे जोश ए जज्बे से फेरियर हॉल कराची में मल्हाय वो जिते हजारन की तादाद में मर्द बारड़ा अदीब शायर लेखक साफी तोड़े सियासी समाजी मजदूर औरतन से गड घरेलू जिंदगी से वास्तो रखंदड़ औरतन पिण वे अंग में शिरकत कई। औरत मार्च की शुरुआत सुबह का ही फेरियर हॉल में मानून जे अचण शुरू थी चुको हो जिते सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम किया वह हुआ। फेरियर हॉल में इंदड़ मर्द तोड़े औरतन के सिक्योरिटी पारा सख्त चेकिंग दौरान फेरियर हॉल में छड़े वो हो जडे त फेरियर हॉल में इंदड़ मुख्तलिफ़ शोबन से ताल्लुक रखंदड़न जी हथन में मुख्तलिफ़ किस्म के नारन जा प्ले कार्ड ए बैनर खयल हुआ जैते औरत मार्च के हवाले से औरतन के हक में नारा लिखल हुआ। वॉइस ऑफ सिंध पारा खास रिपोर्टिंग दौरान फेरियर हॉल में मौजूद औरतन मर्दन तोड़े मुख्तलिफ़ शोबन से वास्तो रखंदड़न पंजा विचार कुछ हिने रीत वंडे जी ता आने डिठो हुंदो ता मा इते स्टेज ते यो ही गलायो आ ता जोरी मजा मटाए मेहरबानी करे बंद करो ए जेका ये मुलायत आए ए जेका इते एक्सट्रीमिज्म असा जी सिंध धरती में खास करे सिंध सूफियन जी धरती आ उन में जेका ये मुलायत है इन जो जेका अजे पयो ही तमाम वडो सैलाब पयो अजे इनन के ता के बंद थेन खपे इनन के बुंजो देन खपे छो ता जेका ही सिंधी कौम जे लाए वडो हानिकार थिंदो सुभाने असा जेका है सिंधी जेका आयो जेका पुराने मजहब सा तारु रखा है सिंधु धरती सिंधी मात्रा जेका असो सिंध सिविलाइजेशन है जेका मोहिंदे जड़े जा असि वारिस आयो तो उन वासन के यो सिंध न छड़नी पवे। साबित तो यही होगा कि जो है जब नहीं सुना जाएगा तो औरतें बाहर ही आएंगी। सही है, जो लोग हिफाजत की बात कर रहे हैं वो सारे हिफाजत के वक्त गायब हो जाते हैं तो फिर औरतों को तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। जो लोग बोल रहे हैं कि औरत घर की इज्जत के अंदर है, घर के अंदर रहेगी, उन्हीं घर की औरतों के साथ ही तो जुल्म किया जा रहा है, तो वो कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो क्या मैसेज होगी आज के इस पे हवाले से? औरतों की इज्जत करें, उनको सपोर्ट करें, वो भी आपकी माँ बहन बेटी है। सही है, जो भी है उसका ख्याल रखें। सही है, अगर किसी का जुल्म हो रहा है तो उसका साथ दें, ना ही कि उसको चुप करा के बिठा दें। ऐसी बातें और मैं उनके साथ हूँ हमेशा, हम लोग खाजा सरा उनके साथ हैं और आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बेगम ये कि हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, ये मार्च सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि लड़के भी लड़कियों में से आते हैं और हम सबको गैदर होना चाहिए उनके राइट्स के लिए, सुनना चाहिए। लोग जो है जज करते हैं, सुनते नहीं हैं, लोगों को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए इसका मतलब क्या है, फिर उसके बारे में कुछ बोलें। मेरा ख्याल है कि वो डर गए हैं और जो है वो जब वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं इस मार्च के ख़िलाफ़ जो कि मज़हब के हो या हमारी रिवायात या पता नहीं अखलाकियात या जिसके भी बारे में, उनको पहले सोच लेना चाहिए कि इस माशरे में और क्या क्या गैर अखलाकी गैर मज़हबी गैर माशरती होते रहते हैं और वो पहले उन पर आवाज़ उठा लें और फिर उसके बाद वो इस जैसी पीसफुल और इंक्लूसिव सी एक मूवमेंट के बारे में बात करें। हम ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और प्रेस क्लब पे हमारे तमाम एहतजाज रिकॉर्ड हैं, आप देख सकते हैं, तमाम एनजीओस हुकूक़ निस्वा की समता सारी टीम सब जो है हर केसेस के लिए खड़े होते हैं, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हम सिर्फ औरत जात के लिए, बच्चियों के लिए, स्पेशली जिनको आप सब जानते हैं जबरी मज़हब तब्दीली जो एक बहुत बड़ा इस वक्त बहरान हमारे मुल्क में जो है वो नुमाया हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। और क्योंकि छोटे बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि उसका अपना मज़हब जिसमें वो है उसको उसमें किस तरह से चलने की ज़रूरत है, तो वो दूसरे मज़हब को कैसे अडॉप्ट करेगा। इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मैं दरख्वास्त करूँगी कि इसका सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और औरत को ख्वाह वो बच्ची हो, ख्वाह वो लड़की हो, ख्वाह बालिग हो या शादीशुदा हो, सारी औरतों को प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। थैंक यू। जो प्रोग्राम जो मकसद वो यो हो कि असा मानन के अवेयर कयूं कि इंसान औरत भी इंसान आहे ऐं असा भी डिज़र्व था कयूं कि असा के भी उहे ही हकूक मिलन, असा के भी उहे ही लिबर्टीज़ ऐं फ्रीडम्स मिलन जेके मर्दन के मिलन था। इट वॉज़ एज बेसिक एज़ दैट। असा बस चाहियूं था कि असा पंहिंजी बॉडीज़ जी वरी ओनरशिप वठी सघूं, असा के रियासत हकूक ते पंहिंजा ऐं असा बस पंहिंजी ज़िंदगी आज़ादी सां गुज़ारे सघूं।
To see so many guys over here celebrating Aurat March with us. Also, I'm so happy to see the security that our government has provided us. Despite the fact that we are so unsafe in this country, but I'm so happy that we have been provided a good amount of security. And I feel so safe here, and I feel so happy that so many people, including guys, and I see more guys than girls this year, and this is, I think it's a very, you know, positive outcome that we are having right now. Mushur, do you want to say something? बात तो ये, हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे माशरे में औरतें मसाइल से दो चार हैं. जब तक हम इस बात को ही नहीं समझेंगे कि औरत मसाइल से सामना कर रही है, तब तक हम उनके सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे. अभी जैसे जब ये औरत मार्च का ट्रेंड चलना शुरू हुआ, तो अगर आपने सोशल मीडिया पर, हमने ये देखा कि लोग तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि औरत के मसाइल हैं. अगर वो कपड़े छोटे पहन रही है या वो बाहर निकल रही है, तो वो औरत की, उसको औरत की गलती समझा जाता है. फॉर एग्जांपल, मैं अभी आते हुए ये बात करता, शी इज़ माई वाइफ, मैं ये बात करता कि जब तुम बाहर होती हो तो मैं इस वजह से नहीं परेशान होता कि तुम बाहर हो. हमारे माशरे में मर्द नुमा दरिंदे जो हैं, वो मुझे परेशानी, उसकी वजह से मुझे परेशानी होती है कि तुम बाहर हो. तो जब तक हम औरतों के मसाइल नहीं समझेंगे, तब तक हम औरतों के मसलों के सोल्यूशन तक नहीं पहुँचेंगे. तो हमारा पहला काम ये है कि हम समझें कि औरतों के मसाइल क्या हैं. तस्लीम करना चाहिए कि औरतों, औरत मसाइल से दो चार है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बात करें. हकीकत यही है कि अगर कहीं पर भी औरत के साथ कोई मसला दरपेश होता है, तो ना ही किसी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस बैठती है, ना ही कोई साझेदार मिल बैठकर कोई मिली भगत करते हैं. अभी अचानक से जब से ये मार्च स्टार्ट हुआ है, इस तरह की एक्टिविटीज, लेकिन रेटिंग के चक्कर में अब जब पता चल रहा है कि यार औरत मार्च के फेवर में लोग ज़्यादा हैं, तो कुछ सियासतदान आ जाएंगे फेवर में बात करने के लिए. लेकिन 8 मार्च के बाद वही सियासतदान भूल जाएंगे कि हाँ, हमने औरतों के मसाइल के लिए कुछ वादे किए थे. और अगले साल जब ये औरत मार्च इससे ज़्यादा बड़ा होगा, तब वो फिर अपनी रेटिंग के और अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में आ जाएंगे. तो सियासतदान तो मेरे ख्याल में किसी भी मसले पे, तो चाहे वो औरत का हो या मर्द का हो या माशरे का हो, सियासतदान तो कभी इंटरेस्टेड है नहीं मसाइल में. तो औरत मार्च को थे, तो ये पिछले 10 सालन का तो थे. असाजी जी ख्वाजा सरा ट्रांस कम्युनिटी आ, वो इन्हें गड हमेशा सा गड आ, छो चो असि इज्जत मिलेंदी आई, जितने असा इज्जत मिलेंदी आ, वजह असा काबिल फ़ख्र होंगी आ. जो फोर्स कन्वर्जन की जी गाल हले वेठी, जो रिलीजन चेंज कराइन था, यो हरगिज गलत है. अस इंटरनेशनल लेवल से असि पाकिस्तान की बेइज्जती थी थे इन शा, कंजो भी मजहब तुम जबरदस्ती से बदले ना सको, इन ताई मजम्मत कदी आंको. औरत मार्च की डिमांड्स आन, उन डिमांड्स में यह डिमांड सरे फहरिस्त है, तो फोर्स कन्वर्जन के जल्द से जल्द रोको वाले. थैंक यू. क्यों पे इंटीरियर सिंध जो बाहर निकरी को सकन, अस इन लाइन आया हूँ. बाकी ही जे इतना जो मायू आन, उन्होंने के हर शे जी खबर है, नो आओ आए. बाकी जे इंटीरियर सिंध जो छोकरियों आन, उन्होंने वे चई को सकन ये शयूं, तो अस उन ला आया हूँ, उन्होंने बिहाफ से चवण आया हूँ ये शयूं. मुझे नालो तस्लीम खोसो आ, मैं एक्चुअली बिलोंग करा थी बलोचिस्तान को. ये सिंध और बलोचिस्तान जो बॉर्डर नज़दीक आ. असाजे इलाके में औरतन के उए हुकूक नथा मिलन जो को मिलन खपन, मतलब कारोकारी वो हिसाब आ, या उ धीं थ जड़न उन्होंने एतो जुलम सितम बो वो इन हर शे बर्दाश्त करनी पे तो, मतलब उ नी मिले इन सेंचुरी में जो उन्होंने मिलन खपे. जो फेरियर हाल में मौजूद हुआ जिते 8 मार्च के हवाले से वही तादाद में जो इतने अज औरतन जो आलमी डी मल्हाय वो, उन सिलसिले में आयल औरतन से गाल बोल कई से हम भी बुधो. कैमरामैन टीम से गड बागी सागर पवार, वॉइस ऑफ सिंध न्यूज़, कराची. Oh,